अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा दोस्त है, हम दोनों आदमी जा रहे हैं आज तहज्जुद का नमाज़ पढ़ने कतर के जो सबसे फेमस और बड़ी मस्जिद है, मरकजी मस्जिद है, दफना में है, वहीं पे जा रहे हैं। पूरे 25 साल में पहली बार आज पढ़ने के लिए हम लोग। भाई ये भाई लोग ये सिर्फ 25 साल के बाद मैं जाता हूँ हमेशा, ये जाते हैं। अब साथ में तीन आदमी जा रहे हैं तो लाजिम है कि हम बोलना ही पड़ेगा। एक आदमी और है मेरा दोस्त, जो उधर रास्ते में लेंगे उसको और वहाँ से फिर साथ में जाएंगे। अभी हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस थोड़े देर में बस आने वाला है, फिर उसके बाद चलेंगे साथ में तीनों आदमी। 25 साल में ये पहला मेरा नमाज होगा जो तहज्जुद का पढ़ने जा रहा है। तहज्जुद का टाइम है 11:30 से स्टार्ट है। जी बिल्कुल, 11:30। बाकी आगे का लोकेशन आपको दिखाऊंगा अगले स्टेप में। और फाइनली गाइस हम लोग बस में बैठ चुके हैं, साथ में मेरा दोस्त भी बैठा हुआ है और एक बंदा और है जिससे मिलेंगे, उसके बाद साथ में जाएंगे तीनों आदमी। बाकी आगे चल के दिखाते हैं नज़ारे आपको। फिलहाल आप लोग बाहर का नज़ारा देखिए, ये है वाकरा का स्टेडियम जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें इसके अंदर। और अब हम लोग उतरने वाले हैं बस से भाई लोग, और हम लोग उतर गए फाइनली बस से। और फाइनली दोस्त भी मेरा आ चुका है, वो देखिए गाड़ी में, ये हमारे भाई साहब, इसी का इंतज़ार हो रहा था, बस जा रहे साथ में। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत कैसे है आप लोग? आ चुके हैं दोस्तों, यही मस्जिद है, जा रहे बस अंदर में, आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी आ रही है इसमें, और यहाँ से अंदर घुसते जा रहे हैं। आवाज़ सुनिए क्या ही मस्त है। क्या ही मस्त नज़ारा है यार। अंदर का व्यू है भाई साहब। और अभी भी मस्जिद में बस अब जाने वाले हैं, इधर का नज़ारा ही देखिए, क्या ही खूबसूरत अंदर का नज़ारा है ना, बहुत खूबसूरत। और कसम से दोस्तों इतना दिल खुश हुआ है आज इसमें नमाज़ पढ़ के, 25 साल के बाद पहली बार आया हूँ, पूरे जवानी में मतलब पहली बार ये नमाज़ पढ़ा हूँ इसमें, इतना ही खुश हुआ हूँ मैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। और ये सब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगरी की मेहरबानी है जो यहाँ तक लेकर आया है पढ़ने के लिए। और आपको उससे मिला था, वो कौन है, क्या कर रहा था, स्पीकर बंद हो गया था। और ये हमारे भाई साहब है, ओ कल फ्रेंड का या था ना, इसी की मेहरबानी है जो इधर आए हैं नमाज पढ़ने के लिए।